Good morning, class. Today, now we are going to learn GK for class 3. So this is your book, Active General Knowledge. Now take out your book. Everyone, take out your book. And open a chapter. Chapter number 23. Sobriquets. Chapter number 23. Sobriquets. Sobriquets means क्या होता है कि किस मतलब एक कह सकते हैं ना कि उपाधि दी जाती है कि किस नाम से क्या प्रसिद्ध है. ठीक है, एक उपाधि दी जाती है किस नाम से क्या प्रसिद्ध है. चलिए हम लोग पढ़ते हैं सोब्रिकेट्स. प्रोनाउंस्ड एज सोब्रिके. प्रोनाउंस्ड एज सोब्रिके. सोब्रिके सोब्रिके के रूप में उच्चारण एक उपनाम है. प्रोनाउंस्ड एज सोब्रिके. सोब्रिकेट इज अ निक नेम ऑफ अ फैंसी नेम गिवन बाय अदर्स. निक नेम या फैंसी नेम जो दूसरों के द्वारा दिया जाता है. प्रोनाउंस एज सोब्रिके. सोब्रिकेट इज अ निक नेम ऑफ अ फैंसी नेम गिवन बाय अदर्स. सोब्रिकेट के रूप में उच्चारण एक उपनाम या दूसरों द्वारा दिया गया एक फैंसी नाम है. ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका नाम मयंक है. सपोज़ कीजिए आपका नाम मयंक है. बहुत लोग मयंक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मन्नू बोल देंगे. तो ये दूसरों के द्वारा दिया गया हुआ नाम है. किसी का नाम मान लीजिए रंजना है तो लोग उसको रंजू बोलेंगे. ये निक नेम होता है, कोई अगर आपको देता है तो वो आपका निक नेम हो जाता है. ऐसे ही जो हम लोग नीचे पढ़ेंगे सोब्रिकेट्स के बारे में, उनके भी निक नेम दिए हुए हैं. तो ये बोल रहा है सोब्रिकेट्स के रूप में उच्चारण एक उपनाम या दूसरों द्वारा दिया गया एक फैंसी नाम है. इट इज ऑल्सो नोन एज एलाइज. एलियस. इट इज ऑल्सो नोन एज एलियस. इसे उपनाम के रूप में भी जाना जाता है. गिवन बिलो आर द सोब्रिकेट्स ऑफ सम वेल नोन कंट्रीज. गिवन बिलो आर द सोब्रिकेट्स ऑफ सम वेल नोन कंट्रीज. नीचे कुछ प्रसिद्ध देशों के नाम दिए गए हैं. नीचे कुछ प्रसिद्ध देशों के नाम दिए गए हैं. नोन एंड लर्न दैम. पढ़िए और याद कीजिए, मतलब जानिए और लर्न मीन्स याद कीजिए. सो एक साइड देखिए आपका सोब्रिकेट्स है एंड अदर साइड प्राइमरी नेम्स है कि पहले वो किस नेम से था, पहला प्रथम नाम उसका क्या है और उसको उपाधि के रूप में निक नेम देके लोग उसे क्या कहते हैं. फर्स्ट सोब्रिकेट से लंदन ऑफ द राइजिंग सन. सॉरी, लैंड ऑफ द राइजिंग सन. उगते सूरज का देश. लैंड ऑफ द राइजिंग सन. उगते सूरज का देश. उगते सूरज का देश किसको कहते हैं? जापान. जापान को क्या कहते हैं? उगते सूरज का देश. सबसे पहले सूरज वहीं पे निकलता है. ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं? उगते सूरज का देश. जापान को हम लोग उगते सूरज का देश कहते हैं. लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स. लैंड ऑफ थाउजेंड लेक. हजार झीलों की भूमि. हजार झीलों की भूमि.
मतलब वहाँ पे झील बहुत ज़्यादा है, इधर से भी झील आती है, उधर से भी झील आती है, सारे झीलों का एक तरह से कहिए सारी झील एक तरह से वहाँ पे मिलती हैं या वहाँ से होके गुजरती हैं, तो वो क्या हो जाएगा, फिनलैंड, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स फिनलैंड। हॉली लैंड, पवित्र भूमि फिलिस्तीन। हॉली लैंड यानी पवित्र भूमि किसे कहते हैं, फिलिस्तीन, फिलिस्तीन को पवित्र भूमि कहते हैं। लैंड ऑफ गोल्डन पगोड्स, लैंड ऑफ गोल्डन पगोडास, गोल्डन पगोडा की भूमि म्यांमार। म्यांमार को क्या और क्या नाम उपाधि देते हैं, गोल्डन पगोडा की भूमि। लैंड ऑफ द मिड नाइट सन, लैंड ऑफ द मिड नाइट सन, मध्य रात्रि सूर्य की भूमि। मतलब वहाँ पे मध्य रात में भी लगता है कि सूरज निकला हुआ है, वहाँ पे ऐसा ज़्यादा इतना ज़्यादा वहाँ पे शाइनिंग होती है कि लगता है कि आधी रात में भी सूर्य वहाँ पे निकला हुआ है। मध्य रात सूर्य की भूमि, मिड नाइट, लैंड ऑफ द मिड नाइट सन, नॉर्वे, नॉर्वे को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के नाम से भी जाना जाता है। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, यूरोप का खेल का मैदान, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड को प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, यूरोप के खेल का मैदान भी कहते हैं। एमराल्ड आइसलैंड, एमराल्ड आइलैंड, एमराल्ड आइलैंड आइसलैंड, आयरलैंड, एमराल्ड आयरलैंड किसको कहते हैं, आयरलैंड को। लैंड ऑफ मैपल, लैंड ऑफ मैपल, मैपल की भूमि कनाडा, कनाडा को मैपल की भूमि कहते हैं। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स, सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड। थाईलैंड में मतलब ऐसा है कि वहाँ सफ़ेद हाथी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए वहाँ उसको सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथियों का भूमि, सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड। गिफ्ट ऑफ द नील, नील नदी का उपहार, गिफ्ट ऑफ द नील, नील नदी का उपहार किसे कहते हैं, मिस्र को कहते हैं। नील नदी का उपहार मिस्र को कहते हैं। द डार्क कॉन्टिनेंट, द डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका, द डार्क कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं, अफ्रीका को कहते हैं। द सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर का शहर, स्वर्ण मंदिर का शहर, द सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल कहाँ है, अमृतसर, इंडिया के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है यानी सोने का मंदिर। द कॉकपिट ऑफ यूरोप, द कॉकपिट ऑफ यूरोप, यूरोप का कॉकपिट बेल्जियम, यूरोप का कॉकपिट बेल्जियम, बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहते हैं। द पॉल ऑफ द एंटाइल्स, एटिलिस, द पॉल ऑफ द एटिलिस, मोती का एटिलिस, क्यूबा, क्यूबा। दी हेरिंग पॉन्ड, दी हेरिंग पॉन्ड, हेरिंग तालाब कहाँ पे है, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। द गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, मुंबई में, द गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर
सॉब्रिकेट्स यहीं पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट अपन लोग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने चैप्टर में क्या होती है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, बेंगलुरु इज नोन एज द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। बेंगलुरु इज द नोन एज द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। बेंगलोर को भारत के गोल्डन सिटी के रूप में, सॉरी गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी के रूप में जाना जाता है बेंगलोर को। बेंगलोर को गार्डन सिटी के रूप में जाना जाता है। तो आपको इस पर क्या करना है, इसमें कहीं फिलअप नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको बस इसको लर्न करना है, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन हमने बनाए हैं जो हम आपको दिखाते हैं अभी। ये देखिए इसके क्वेश्चन हैं, आपको नोटबुक में ऐसे ही करना है। चैप्टर 23 सॉब्रिकेट्स, गिव आंसर इन वन वर्ड। वन वर्ड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर वन, विच सिटी इज नोन एज लैंड ऑफ द राइजिंग सन। विच सिटी इज नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। उगते हुए सूरज का शहर किसे कहते हैं, तो अभी आप लोग को बताया ना, जापान। आंसर क्या है इसका, जापान। क्वेश्चन नंबर टू, विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल। विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल, अमृतसर इंडिया। अमृतसर, गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है, अमृतसर। विच सिटी इज नोन एज गिफ्ट ऑफ द नील। विच सिटी इज नोन एज गिफ्ट ऑफ द नील, इजिप्ट। इजिप्ट। क्वेश्चन नंबर फोर, विच सिटी इज नोन एज हॉलीलैंड। फिलिस्तीन, ठीक है, फिलिस्तीन। विच सिटी इज नोन एज हॉलीलैंड, फिलिस्तीन। विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट। विच कॉन्टिनेंट इज द नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट, अफ्रीका। विच सिटी इज नोन एज द गेटवे ऑफ इंडिया। विच सिटी इज नोन एज द गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई। क्या हो जाएगा, मुंबई, ठीक है। तो ये आपको नोटबुक में ऐसे ही नोट करना है। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप लोग इसको घर पे पढ़िए और समझिए, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चंस आते हैं। आज ही नहीं, कभी भी भविष्य में कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो उसमें क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। तो आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है। सो थैंक यू सो मच।